कड़ाके की ठंड बढ़ने के साथ ही खाकी कंबल तांगकर पुलिस थाने की चार दीवारी में सो रही है, तो ठंड में चोर गिरोह ने मोर्चा संभाल लिया है। चोरों की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि लगातार एक ही गांव में 7 दिनों से बंद मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा को नाकाम साबित कर शातिर चोर गिरोह के सदस्य हर दूसरे दिन बंद मकानों व दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। दिसंबर माह में ठंड का फायदा उठाकर चोर कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जिले में कड़ाके की ठंड व कोहरे की दस्तक के साथ ही चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ गई है। ठंड के कारण सुरक्षा इंतजाम ढीले पड़ गए हैं। रात को गली मोहल्ले में गश्त करने के दावे करने वाले पुलिस पे उनके बीट प्रभारी क्षेत्र से गायब दिखाई दे रहे हैं। शाम होते ही पुलिस केवल कस्बे में गश्त का जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में शातिर व पेशेवर चोर गिरोह के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में आसानी हो रही है। कोटडी क्षेत्र के हाजीवास गांव में पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार चोरों की आहट से ग्रामीण भयभीत हैं। अब तक करीब 10 घरों व मंदिरों में नकदी जेवर आदि की चोरी हो गई। बीती रात गांव के निमड़िया देवनारायण भगवान मंदिर परिसर में रखे दान पात्र को तोड़ अज्ञात चोर नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए, जिससे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस न तो चोरों को पकड़ने में सफल हो पा रही है, न ही गश्त व्यवस्था बढ़ा रही है, जिससे आमजन को उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ होने का डर सता रहा है।